पर मैगी खाने की जिद करते हैं तो आप इस तरह से वेजिटेबल मैगी उन्हें बनाकर दे सकते हैं, जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। यहाँ पे मैंने ये सारी सब्जियाँ ली है तो इसे काट लेंगे। बंद गोभी थोड़ी सी ली है तो इसे भी पतले पतले बारीक काट लेंगे, लंबे लंबे, क्योंकि मैगी में देने हैं ना, तो मैगी सेप का ही बंद गोभी काट लें। प्याज को भी पतले पतले लंबे काट लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन ली है, 1 हरी मिर्च डाला है, क्योंकि मैगी में भी मिर्च होते हैं ना, तो सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी ऊपर से मसाले भी ऐड कर रही हूँ। गाजर को भी बहुत बारीक नहीं करेंगे, इस तरह से पतले पतले लंबे काट लेंगे। आप चाहें तो बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, तो बीन्स को पकने में थोड़ी टाइम लगती है, बीन्स ऐड करें तो उसे बॉईल करके दें। टमाटर को भी बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है, देखिए सारी सब्जियों को इस तरह से काट लिया है। यहाँ पे मैं आटा नूडल्स ले रही हूँ, आप चाहें तो मैदे वाले भी मैगी ले सकते हैं। देखिए सब्जियाँ कट कर तैयार है। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल। प्याज को थोड़ी देर तक भून लेंगे कलर चेंज होने तक। अब लहसुन हरी मिर्च डालेंगे, इसे भी थोड़ी देर भून लें, इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। अब इधर एक साइड में पानी बॉयल होने के लिए रख दूंगी। 3 पैकेट मैगी है तो 4.5 कप पानी लग जाएंगे, 4.5 से 5 कप, मतलब आप अगर ड्राई पसंद करते हैं थोड़ा कम पानी डालें। प्याज भून चुका है, अब कटी हुई सारी हरी सब्जियां ऐड करेंगे। अब इसे भी थोड़ी देर तक सॉटे कर लेंगे, बस बहुत नहीं पकाना है, हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो बस। ये सब्जियां भून चुकी है, अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर दिया, इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसको आप चाहें तो 1 मिनट के लिए मैंने ढक दिया टमाटर सॉफ्ट होने के लिए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर सॉफ्ट हो चुका, थोड़ी देर सब्जियों को भून लेंगे। अब यहाँ पे 3 पैकेट मैगी मसाला है तो 1 पैकेट मैगी मसाला मैं सब्जियों में डाल के भून लेती हूँ। वैसे सारे मसाले डाल के भून लेती हूँ, इसमें मटर है तो वो कच्चा रह जाएंगे ना, तो इसलिए पानी में ही डाल दूंगी और मसाले। देखिए सब्जियाँ भून चुकी है, अब इसे 1 प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी सेम कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे बॉयल, इसे भी थोड़ी देर तक और उबाल लेंगे। अब इसमें जो बाकी के 2 पैकेट मैगी मसाला है ना, वो ऐड करेंगे। इसे भी एक बॉयल अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तब इसमें ये मैगी नूडल्स ऐड करें तोड़ तोड़ के। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें पानी में, मतलब डिप कर दें छलनी से, करछी से, और इसे अच्छी तरह से चला लें। आप चाहें तो इसे 1 मिनट के लिए ढक भी दें, लेकिन ऐसे भी खुले भी पक जाएगा। 5 मिनट तक बॉयल कर लें मैगी को, मतलब मैगी सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। ये मैगी सॉफ्ट हो चुका है, अब सब्जी ऐड करेंगे। मतलब मैगी के साथ ही सब्जी देती तो ओवर कुक्ड हो जाता सब्जी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सब्जी मसाले। अब थोड़ी सी पानी और ऐड करेंगे, एक बार पानी ऐड ना करें, उससे एकदम से मैगी मतलब फूल जाता। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मैगी मसाला और सारे वेजिटेबल्स मिक्स हो जाए नूडल्स में। इस तरह से मैगी बनाएंगे तो बहुत बच्चे क्या बड़े भी हमारे यहाँ बहुत पसंद से खाते हैं। मैं मैगी नहीं खाती थी, पर इस तरह से बनते हैं तो कभी कभी खा लेती हूँ। देखिए मैगी बनकर तैयार है, वेजिटेबल मैगी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, और ये एकदम खिले खिले बने हैं, परफेक्ट। आप इसे तो लंच में भी दे सकते हैं।
क्योंकि सब्जियां हैं ना तो ये जमेगी नहीं। अब बच्चों को तो मैगी बना है तो इसके साथ देखिए किस तरह से खिले खिले बने हैं। अब इसके साथ जूस या कोल्ड ड्रिंक्स है, यहाँ पे मेरे पास लीची जूस है, बच्चों को लीची जूस के साथ मैगी दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी मैगी बना है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।